यूपी के औरैया में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहां पर एक मंदिर में पानी भर गया। वहीं सीएम योगी आज बाढ़ प्रभावित गांवों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। सीएम योगी राहत और बचाव के काम की अफसरों के साथ समीक्षा भी करेंगे। टेरर फंडिंग से जुड़े एक मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की है। 150 से ज्यादा अधिकारियों की टीम ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग 56 इलाकों में प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के घर पर छापेमारी की है। सूत्रों के हवाले से इस बात का पता चला है कि एनआईए को अपने इस मिशन 56 में कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश पर बड़ा प्रहार। 50 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की छापेमारी। देश में विदेशी साजिश में शामिल लोगों के घरों पर रेड। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की सबसे बड़ी कार्रवाई। सरहद पर साजिश रचने वालों के खिलाफ एनआईए ने सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आतंक के आकाओं पर नकेल कसने के लिए टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 56 अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। गांदरबल, शोपियां, राजौरी, अनंतनाग और बारामूला जैसे इलाकों में की गई इस छापेमारी में एनआईए ने आतंकी साजिश से जुड़े कुछ बेहद अहम सबूत जुटाए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से जुड़े संगठनों और एनजीओ पर इस छापेमारी अभियान को अंजाम दिया है। सुबह करीब 5 बजे से ही एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों ने संदिग्ध इलाकों पर अपनी दबिश देनी शुरू कर दी। दरअसल एनआईए की खुद की रिपोर्ट पर कुछ महीने पहले जमात इस्लामी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसी केस में कार्रवाई करते हुए एनआईए ने सबसे बड़े छापेमारी अभियान को अंजाम दिया। इस छापेमारी टीम में एनआईए के 5 एसपी और 150 के करीब अधिकारी शामिल थे। इस रेड को किश्तवाड़, डोडा, रामबन, पुलवामा, कुलगाम, बडगाम और श्रीनगर जैसे जिलों में अंजाम दिया गया। एनआईए ने इस मामले से जुड़ा केस 5 फरवरी 2021 को रजिस्टर किया था। जमात इस्लामी नाम के जिस संगठन से जुड़े लोगों के घरों में छापेमारी की गई, उन पर आरोप है कि ये लोग सरहद के भीतर और बाहर से जकात, मौदा और बैतुल मल के रूप में चंदा इकट्ठा करते थे। इस चंदे को इकट्ठा करने के दौरान बताया जाता था कि इसका इस्तेमाल लोगों के हित में किया जाएगा, लेकिन जांच में ये बात सामने आई थी कि इस फंडिंग का इस्तेमाल ना सिर्फ घाटी में हिंसा फैलाने के लिए किया जाता था, बल्कि इस फंड को हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के लिए इकट्ठा किया जाता था। इतना ही नहीं, जमात इस्लामी संगठन कश्मीर के युवाओं को भड़काकर आतंक की आग में झोंकने का भी काम करता था। यही वजह थी कि साल 2019 में ही जमात इस्लामी नाम के इस संगठन को केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। बावजूद इसके जम्मू कश्मीर में इस संगठन की गतिविधियां लगातार चलती रही। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी के बड़े जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घाघरा नदी में कटान की वजह से लोग दहशत में हैं। गोंडा में घाघरा नदी के कटान में एक स्कूल का कमरा ढह गया। बताया गया कि अब तक स्कूल के 10 कमरे नदी में समा चुके हैं। वहीं कई जगह लोगों ने सुरक्षित जगह शरण ली है। जो रेंचिंग कर रहे हैं माझा साइड में, वो 9 महीना काम हुआ है, लेकिन इस समय नहीं हो रहा है। लेकिन नदी से कोई फर्क वहाँ पर पड़ नहीं रहा है। लगभग 80 घर हमारे यहाँ के कट चुके हैं, ये दूसरी जगह के लिए पलायन कर चुके हैं। मुंबई में 15 अगस्त से कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों को लोकल ट्रेन में जाने की इजाजत होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि 15 अगस्त से मुंबई लोकल ट्रेन सेवा को शुरू किया जाएगा। हालांकि लोकल ट्रेन में उन्हीं लोगों को सफर करने की इजाजत होगी जिन्हें कोरोना के टीके की दोनों खुराकें लग चुकी हैं। यूपी के एटा में जमीन विवाद में एक आदमी ने अपने ही भाई को गोली मार दी, जिसे घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बता रहे जमीनी विवाद कुछ चल रहा है।
समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी के जन्मदिन पर कोरोना नियम उल्लंघन के आरोप में अबू आजमी समेत 30 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। मुंबई के शिवाजी नगर गोवंडी में अबू आजमी के जन्मदिन के मौके पर जुलूस निकाला गया था, जिसमें ना तो किसी ने मास्क लगाया था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ले। उन्होंने कहा कि जो फ्रंटलाइन वर्कर दूसरी डोज नहीं लगवा रहे, उनके लिए सरकार कानून के तहत ये फैसला भी ले सकती है कि उनकी सैलरी रोक ली जाए। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे नदियों के आसपास के निचले इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई गांव में मकानों में पानी भर चुका है, तो वहीं सड़कों पर पानी भरने से एक जगह से दूसरी जगह जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। प्रशासन की ओर से लोगों के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। बड़ी खबर पाकिस्तान के क्वेटा से, जहां आतंकवादियों ने क्वेटा के सेरेना होटल के बाहर धमाका किया है। धमाके में 2 पुलिस वाले समेत 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 13 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विस्फोटक एक मोटरसाइकिल में छिपा कर रखा गया था। धमाके के समय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो भी उसी होटल में मौजूद थे, लेकिन वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल पाने वाले